नमस्ते। आज हम बात करेंगे सेट और सेटिंग केटामीन ट्रीटमेंट के द्वारा। तो सेट और सेटिंग से मेरा क्या मतलब है? सेट माने जो ट्रीटमेंट करा रहा है, जो आप एक पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं, आपकी क्या विचारधारा है, ट्रीटमेंट को लेके आपके अंदर क्या विचार हैं, अपने को लेके क्या विचार हैं, दुनिया को लेके क्या विचार हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसको समझना ट्रीटमेंट से पहले बहुत ज़रूरी है। तो जब आप यहाँ आते हैं हमारे सेंटर पे, तो आपके साथ बैठ के हम काफ़ी देर तक बात करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने ये ट्रीटमेंट के बारे में आप कहीं पढ़ा है या कहीं रिसर्च की है, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, और आप अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आप क्या समझते हैं। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम ट्रीटमेंट से पहले आपका सही इंटेंशन बना सकें, ताकि हम ट्रीटमेंट से पहले आपका माइंडसेट जो है उसको ओपन रख सकें, ताकि ट्रीटमेंट के दौरान जो भी चेंजेस हों उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दूसरी चीज़ क्या है? सेटिंग। सेटिंग माने जहाँ आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी मायने रखता है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है केटामिन का, वो कि एक खाली मेडिसिन देना नहीं है। ट्रीटमेंट के दौरान जो है क्या होता है, तो उसके लिए एक ही बहुत ही सेफ और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान जो है आप एक जर्नी में जाते हैं, आप एक उसमें अंदर की तरफ जाते हैं और अपना आत्म चिंतन करते हैं, काफ़ी चीज़ें अंदर से बाहर निकल के आती हैं, सबकॉन्शियस माइंड से बाहर निकल के आती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस इन्वायरमेंट में आपका ये ट्रीटमेंट हो वो एक बहुत ही सेफ, एक बहुत सुकून वाला इन्वायरमेंट हो, मतलब वहाँ बिल्कुल आवाज़ ना हो, शांति हो। तो हमारे यहाँ जो है वो बैठने के लिए, लेटने के लिए बहुत अच्छा कंफर्टेबल चेयर रहती है और शांत माहौल रहता है, और आपके साथ एक थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट हमेशा रहता है ट्रीटमेंट के दौरान, और ट्रीटमेंट के बाद भी अगर कुछ बात करनी है तो उसके लिए थेरेपिस्ट अवेलेबल रहता है। और ट्रीटमेंट में हम दौरान हम चाहते हैं, जैसे हमने कहा, कि पूरा फोकस जो है आपके अंदर की तरफ रहे, आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ रहे। तो इसके लिए आँखों का बंद करना बहुत ज़रूरी है, और एक हम कानों में म्यूज़िक लगाते हैं, जिस उस म्यूज़िक से आपका जो ब्रेन है वो एक वेरी स्पेसिफिक और बहुत ही एक विशेष अवस्था में आ जाता है, ताकि केटामिन से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जैसे हमने कहा, सेट और सेटिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बीच में आपका जो, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है, थेरेपिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और जो पूरा ट्रीटमेंट चलता है 1.5 घंटा 2 घंटा, उसके दौरान आप कैसे हैं, कंफर्टेबल हैं, पूरा अंदर की तरफ फोकस है, उस वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि अगर ये चीज़ें सब हैं तब आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा केटामिन के ट्रीटमेंट से आप ले सकते हैं।